सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक लाइटरूम का प्रीसेट देने वाला हूँ, जो कि काफ़ी कमाल का प्रीसेट है। माउंटेन फोटोग्राफी प्रीसेट है, जो कि काफ़ी इंस्टाग्राम पे आजकल वायरल हो रहा है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन में आ चुका हूँ, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, और मैं आपको यूज़ करके बताऊँगा कि किस तरह से ये प्रीसेट है। आपको इसकी DNG फाइल और .xml फाइल दोनों भी मिल जाएगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, आप सिंपली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर पता नहीं है कि किस तरह से यूज़ करते हैं प्रीसेट को, तो इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो ओके गाइस, यहाँ पर मेरी फोटोग्राफ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पर मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स है। तो अब यहाँ पर मैं आपको अपनी फ़ोटो को या अपने प्रीसेट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि DNG फाइल को किस तरह से आपको इंपोर्ट करना है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप सिंपली उसे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर आपके प्लस वाली निशान पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो यहाँ पर DNG फाइल को प्रीसेट को यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली इस ए वाले ये जो प्रीसेट है, ये मैंने बनाया है, मैंने खुद से क्रिएट किया है। तो अब आप ये इसकी सेटिंग आपको पूरी पूरी कॉपी कर लेनी है। तो मैं अपनी फ़ोटो किसी और फोटो के अंदर ये वाला प्रीसेट लगा के आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली ये जो प्रीसेट है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इंपोर्ट कर देना है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट्स आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉपी सेटिंग्स। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ओके का बटन का डन का बटन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इस पर भी क्लिक करेंगे और अपनी इस वाली प्रीसेट की पूरी सेटिंग्स यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। अब एज इट इज़ ये पूरा ग्रेडिंग वगैरह हम अपनी फ़ोटो के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल वाली फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, कुछ इस तरीके जो हमारी माउंटेन की फ़ोटो है, अब ये नॉर्मल फ़ोटो है, अब इस पर हम अपना प्रीसेट अप्लाई करेंगे। तो सिंपली जैसे कि हमने 3 डॉट्स पर प्रीसेट कॉपी करते टाइम आपको क्लिक किया था, तो यहाँ पर 3 डॉट्स है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेस्ट सेटिंग। तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद हमारी फोटो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ओके गाइस, ये तो हो गया किसी अदर फोटो वाली, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ अपनी मॉडल्स वाली फ़ोटो पे किस तरह से अप्लाई करेंगे और किस तरह से ये फ़ोटो अपनी ये प्रीसेट अप्लाई करने के बाद दिखती है। तो यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो ये मेरी फ़ोटो है, ये नॉर्मल सी फ़ोटो है, यह मैं अभी क्लिक की थी, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है। अब सिंपली मैं इस पर अपना ये प्रीसेट पेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से ये दिखने वाला है। तो सिंपली मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने अपनी पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर दिया। तो ओ गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोटो ऑटोमेटिकली 1 क्लिक के अंदर पूरा एडिट हो चुका है स्पीड से अंदर। और आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ यहाँ पर छोटी बहुत अगर एडजस्टमेंट करनी हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो एक्सपोजर वगैरह कम ज़्यादा अगर आपको करना है तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना। आई नो गाइस कि बहुत सारे फोटो में प्रीसेट अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिक अपनी फोटो पूरी अच्छी नहीं होती है, थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट मैन्युअली करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, तो यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कर देना, एंड अदरवाइज हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव दिख रही है। तो ओके, और एक फ़ोटो को मैं यहाँ से क्लिक करके बता देता हूँ प्रीसेट अप्लाई करने के बाद। एक नॉर्मल सी फ़ोटो ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं एक अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ। ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके से मेरी फ़ोटो है जो कि काफ़ी नॉर्मल है और मैंने अपनी फ़ोन से ही किसी क्लिक किया था। अब इसके अंदर मैं अपना एक प्रीसेट अप्लाई करके बता देता हूँ। सिंपली 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं पेस्ट सेटिंग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी फ़ोटो कितनी लुकी, कितनी अच्छे सी दिख रही है। तो कुछ इस तरीके से आप इस फ़ोटो को अप्लाई कर सकते हैं ये वाला प्रीसेट, और आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिकली 1 क्लिक के अंदर काफ़ी कूल हो जाएंगी। सो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से वर्क करता है लाइटरूम प्रीसेट। तो आप इसे ज़रूर से यूज़ करें, जिस लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे डाउनलोड कर ले। आप इसे XMP फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो और DNG फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं है, सिंपली आप इसे यूज़ कर सकते हैं फ्री में। सो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।